हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं, जितने भी सक्षम साथी उनके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आया मैं अभी भी। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से सक्षम साथी हैं जिनकी परिवार पहचान पत्र में गलतियाँ हैं लेकिन उनका निवारण नहीं हो सका है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिस कारण से उनका जो भत्ता और मानदेय सक्षम योजना से उनको रिजेक्ट किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। तो इसका निवारण है जल्द से जल्द किया जाएगा। जो बड़ा नोटिस है, जैसे कि कल मैंने वीडियो में बताया था और आज भी बताया था, तो वो बड़ा नोटिस है, बड़ा एप्लीकेशन है, वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहरलाल जी के द्वारा उनको भेजी गई है। तो इस पर वो माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहरलाल जी इस पर विचार विमर्श करेंगे सक्षम योजना के तहत रोजगार विभाग की तरफ से। तो इस पर जितने सक्षम साथी परेशानी में हो चुके हैं, वो उनका जो सोलूशन है जल्द से जल्द निकाला जाएगा नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीक तक आप का सक्षम युवा पोर्टल पर आप अपनी फैमिली आईडी है सरल तरीके से अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो पुराना डाटा था वो शो हो रहा है परिवार पहचान पत्र पर, लेकिन आपने फैमिली आईडी अपडेट करा दी लेकिन उस पर नया डाटा है वो शो नहीं हो रहा है। इसको लेकर वो नोटिस अप्लीकेशन आया था जो कि मैंने वीडियो में बताया था, तो उसमें साफ साफ ऐसी ऐसी बातें बताई गई थी, परिवार पहचान पत्र के रिकॉर्ड डाटा अपडेट नहीं हो रहा है, तो सक्षम युवा को प्रॉब्लम हो रही है, उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फैमिली आईडी में डाटा गलत है तो आप अपनी फैमिली आईडी जल्द से जल्द सही अपडेट करवा लें। जी हाँ, मैं आप साफ साफ बता देता हूँ आपको बात, अगर आपका जो डाटा फैमिली आईडी में अगर गलत है तो उसको डाटा सही करवा लें। अगर आपके फैमिली आईडी के चांस ख़त्म हो चुके हैं तो उसके लिए भी बड़ा अपडेट आने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जितने भी शख्सियों के साथी वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, तो आपकी जो भी गलतियाँ हैं तो उनको परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आपको जल्द से जल्द बड़ा नोटिस जारी कर दिया जाएगा रोजगार विभाग की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी को नोटिस, बड़ा जो नोटिस है वो एप्लीकेशन भेजा गया है सक्षम युवा अधिकारियों के द्वारा। तो इसमें बहुत से सक्षम साथी है जो बेरोजगार युवा है, अपने जो पढ़ाई का खर्चा है भत्ते के सहारे से ही चलाते हैं, तो इस कारण से इस पर विचार विमर्श करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। जल्द से जल्द इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगा तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, सक्षम योजना से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, तो जो प्रॉब्लम आपको सक्षम युवा पोर्टल और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आ रही है उसको जो निवारण है जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप वेट करें तो इसका जल्द से जल्द निवारण कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी समस्या है सक्षम योजना के तहत या परिवार पहचान पत्र के रिगार्ड, तो आप जल्द से जल्दी वेट करें, तो इसके बारे में बड़ा नोटिस आएगा तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, तो जो बड़ा नोटिस आया था इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अप्लीकेशन है भेजी गई है, तो इस बारे में जो विचार विमर्श किया जाएगा इसके रिगार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार विभाग को आदेश देंगे कि आपको सक्षम योजना से जो भी सक्षम युवा है उनको बाहर ना निकाला जाए। तो इस पर तो फ्रेंड्स ये थी बड़ी अपडेट। अगर वीडियो अच्छी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे लाल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।